प्रिय विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के वर्कशॉप 2 पर आधारित इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और बीएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में वर्कशॉप एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो इस सेशन में हम वर्कशॉप 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि बीएड के पाठ्यक्रम में वर्कशॉप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और 2 साल के पाठ्यक्रम में 2 वर्कशॉप्स हैं। वर्कशॉप 1 जो आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और वर्कशॉप 2 जिसकी बात हम इस सेशन में कर रहे हैं, ये भी 4 क्रेडिट की और 12 दिन की वर्कशॉप है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप 2 जो फेस टू फेस कंपोनेंट है और आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर ऑर्गेनाइज होनी है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी। वर्कशॉप कब ऑर्गेनाइज होगी इसके बारे में कुछ चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन हो रहे हों, जनरली इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर और जून में होते हैं, उस दौरान कोई भी स्टडी सेंटर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने की डेट्स डिसाइड करने की जिम्मेदारी आपके प्रोग्राम इंचार्ज की है। उनके पास कब फैकल्टी अवेलेबल है, कब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कब स्पेस अवेलेबल है, और आप लोगों की छुट्टियों का, वेकेशंस का क्या शेड्यूल है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके प्रोग्राम इंचार्ज ये तय करते हैं कि आपकी वर्कशॉप कब होनी है। वर्कशॉप जनरली आपके समर ब्रेक्स में या फिर जब आपकी छुट्टियों का कोई लॉन्ग स्पेल हो उस दौरान ऑर्गेनाइज की जाती है। सेकेंड ईयर की वर्कशॉप जब सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए और सेकेंड ईयर के टर्म एंड एग्जामिनेशन होने हों, उसके बीच में ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप 2 कंप्लीट होना सेकेंड वर्कशॉप अटेंड करने की कंपलसरी कंडीशन है। ध्यान रखिए कि वर्कशॉप सभी के लिए मैंडेटरी है। वर्कशॉप 12 दिन की है और 12 दिन की अटेंडेंस आप सभी के लिए मैंडेटरी है। आपको वर्कशॉप 2 में शामिल होने की परमिशन तभी दी जाएगी यदि आपने अपनी इंटर्नशिप 1, फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप और सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप जो कि 16 वीक्स की है वो पूरी कर ली हो। जनरली 2 वर्कशॉप के बीच 1 एकेडमिक सेशन का गैप हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप करने के बाद जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो पहले सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप करते हैं जो कि 4 महीने की है, 16 वीक्स की है, और उसके बाद ही आपको सेकेंड ईयर की वर्कशॉप करने की परमिशन दी जाती है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति लगातार दोनों वर्कशॉप एक साथ ऑर्गेनाइज यदि हो भी रही हो किसी स्टडी सेंटर पर, तो वो दोनों वर्कशॉप एक साथ नहीं कर सकता। आपको वर्कशॉप अपने अलॉटेड स्टडी सेंटर पर ही अटेंड करनी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप जो अलॉटेड स्टडी सेंटर पर जिन डेट्स में होनी थी उन डेट्स में नहीं की, तो आप सेकेंड ईयर की वर्कशॉप नहीं कर सकते। पहले आपको नए बैच के लिए जब फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगी तो वो करनी है, फिर सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप करनी है, फिर ही आप सेकेंड ईयर की वर्कशॉप कर पाएंगे। ये वर्कशॉप का शेड्यूल है जो आपके सामने स्लाइड पर है। यदि आप इसके सेशंस को देखें तो इसके जितने भी सेशंस हैं वो मोस्टली हमने आपके जो बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स करिकुलम है उन कोर्सेज के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन की जरूरत है, जिन पर डीप लर्निंग की जरूरत है या जिन पर कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस की जरूरत है, उन सारे टॉपिक्स को लेकर ये वर्कशॉप डिजाइन की गई है। आप ये भी देखेंगे कि वर्कशॉप 2 के डे 5, डे 6 और डे 7 में आपके जो सेकेंड ईयर के ऑप्शनल कोर्सेज हैं BE SE 131, BE SE 132 और BE SE 135, आपने इन 3 में से कोई एक कोर्स बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑप्ट किया होगा, तो इन कोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज भी आपको करनी है। और इन तीनों कोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटीज के सेशन पैरेलली ऑर्गेनाइज होंगे। आपको उसी सेशन में पार्टिसिपेट करना है जो ऑप्शनल कोर्स आपने अपने लिए चूज किया है। साथ ही 10वें और 11वें दिन जो सेशंस हैं वो जनरली हमने आपकी जो ईपीसी कोर्सेज EPC 3 और EPC 4 हैं उसमें से लिए हैं। EPC 3 और EPC 4 की 2 एक्टिविटीज आप ऑलरेडी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप 2 कर चुके हैं, अपने इंटर्नशिप 2 के दौरान कर चुके हैं, और 2 एक्टिविटीज आपको इस वर्कशॉप के दौरान करनी है। उसके बाद ही EPC एक्टिविटीज का असेसमेंट
होगा। इस वर्कशॉप में भी हर एक सेशन 90 मिनट्स का होगा और हर एक दिन जो बिगनिंग में 15 मिनट है वो पिछले दिन की एक्टिविटीज की एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए अलॉट किए गए हैं। तो आप में से किसी एक से भी आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर इंचार्ज ये कह सकते हैं कि आप एक दिन की एक्टिविटीज की रिपोर्ट अगले दिन प्रेजेंट करें, उसके अगले दिन किसी दूसरे लर्नर से वही एक्टिविटीज की रिपोर्ट प्रेजेंट करने को कहा जा सकता है। तो ये रोटेशन से प्रेजेंटेशंस होंगे। आपके ऑप्शनल कोर्सेज के जो सेशंस हैं जो डे 5, डे 6 और डे 7 में होने हैं वो 3 पैरेलल सेशंस की तरह होंगे और 3 डिफरेंट रूम्स में होंगे। आप उसी ऑप्शनल कोर्स के सेशन को अटेंड करेंगे जो ऑप्शनल कोर्स आपने अपनी थ्योरी के लिए चूज किया है। सेशंस या तो एक्टिविटी बेस्ड हैं या फिर रिफ्लेक्टिव इन नेचर हैं, तो जैसे भी सेशंस हैं उसके हिसाब से आपके रिसोर्स पर्सन आपको एक्टिविटी के बारे में बताएंगे और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अपनी ग्रुप और इंडिविजुअल एक्टिविटी को अच्छी तरह से पूरा करें। वर्कशॉप के दौरान हर एक एक्टिविटी के 3 स्टेज हैं, प्री वर्कशॉप एक्टिविटी, ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी और पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी। प्री वर्कशॉप एक्टिविटी, यदि आप अपनी बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल हैंडबुक देखेंगे तो उसमें बताया गया है हर एक सेशन में उस सेशन के लिए क्या तैयारी करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ के आना है, कौन सी यूनिट पढ़ के आनी है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो वो क्या पढ़ के आना है, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के आना है, उसका कोई निश्चित पेज नंबर दिया गया है वो पढ़कर आना है, या कोई मटेरियल आपको अपने साथ लाना है। ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी सेक्शन में हर एक सेशन में ये बताया गया है कि उस सेशन में वर्कशॉप के दौरान क्या होगा, आपके रिसोर्स पर्सन किस तरह से उस सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे और आपकी उसमें क्या भूमिका है। और पोस्ट वर्कशॉप एक्टिविटी सेक्शन में ये बताया गया है कि उस सेशन में आप जो भी सीखेंगे उसका असेसमेंट कैसे होगा, क्या उसके लिए आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, यदि वो रिपोर्ट है तो क्या ग्रुप रिपोर्ट है, इंडिविजुअल रिपोर्ट है, और उस सेशन में आपने जो भी सीखा है अपने आगामी शिक्षण में आप उसका प्रयोग, अपनी आने वाली टीचिंग लर्निंग में आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे। इस वर्कशॉप में भी 3 तरह के असेसमेंट्स हैं। पहला असेसमेंट उन रिपोर्ट्स का है जो आपने इंटर्नशिप 2 के दौरान बनाई है। दूसरा असेसमेंट उन ईपीसी एक्टिविटीज का है जो आपने या तो अपनी इंटर्नशिप 2 के दौरान पूरी की है या इस वर्कशॉप में आप करेंगे। और तीसरा असेसमेंट इस वर्कशॉप के डिफरेंट सेशंस में आपकी परफॉर्मेंस का है। जहां तक पहले असेसमेंट की बात है, असेसमेंट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, तो इंटर्नशिप 2 में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की होंगी, यूनिट प्लान बनाए हैं, लेसन प्लान बनाए हैं, असेसमेंट टूल्स बनाए हैं, पीटीएम ऑर्गेनाइज की है, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं, कम्युनिटी सर्विस कैंपेन ऑर्गेनाइज की है, कम्युनिटी सर्वे किया है, वो सारी रिपोर्ट्स आप अपनी वर्कशॉप में लेकर आएंगे। वो सारी रिपोर्ट्स आपके मेंटर्स से ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए और हर एक रिपोर्ट पर आपके प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए कि वो एक्टिविटी आपने उनके इंटर्नशिप स्कूल में इंटर्नशिप 2 के दौरान की है। इंटर्नशिप के असेसमेंट के जो सेशंस अलॉटेड हैं उन सेशंस में आपसे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करने को कहा जाएगा। आपके साथ ही आपके रिपोर्ट पर, आपके प्रेजेंटेशंस पर अपनी राय देंगे, अपना फीडबैक देंगे और आपके रिसोर्स पर्सन आपकी इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ को ग्रेड करेंगे और आपके ग्रेड्स और आपके रिपोर्ट्स को आपके प्रोग्राम स्टडी सेंटर के वर्कशॉप इंचार्ज के पास जमा कर देंगे। इसी तरह से जो ईपीसी एक्टिविटीज़ हैं उनका असेसमेंट होना है। आपने दो दो एक्टिविटीज़ दोनों ईपीसी कोर्सेज में इंटर्नशिप 2 के दौरान की हैं, वो रिपोर्ट्स आप यहाँ लेकर आएंगे। 4 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी ईपीसी कोर्स 3 और 2 एक्टिविटी ईपीसी कोर्स 4 के लिए आप वर्कशॉप के दौरान डे 10 और डे 11 में करेंगे। ये सारी रिपोर्ट्स आप जो ईपीसी एक्टिविटीज के असेसमेंट के लिए सेशंस अलॉटेड हैं वहाँ प्रेजेंट करेंगे। आपके साथ ही आपके पीयर्स आपकी एक्टिविटीज और आपके प्रेजेंटेशंस पर अपनी राय देंगे, अपना फीडबैक देंगे और आपके रिसोर्स पर्सन्स आपकी ईपीसी एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स को ग्रेड करके आपके ग्रेड और रिपोर्ट्स आपके वर्कशॉप इंचार्ज के पास जमा करेंगे। जहां तक वर्कशॉप के डिफरेंट सेशंस के असेसमेंट का सवाल है, वर्कशॉप के डिफरेंट सेशंस के ग्रेड्स जो भी रिसोर्स पर्सन या वर्कशॉप फैसिलिटेटर उस सेशन को लेगा उन्हीं के द्वारा दिए जाएंगे। आप अपनी रिपोर्ट्स को अपने वर्कशॉप फैसिलिटेटर या रिसोर्स पर्सन को सबमिट करेंगे, उनके सामने प्रेजेंट करेंगे
और वे आपकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। यदि आपने किसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो उस ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट्स को एक समान ग्रेड दिए जा सकते हैं। आपके वर्कशॉप इंचार्ज आपके डिफरेंट सेशंस में मिले ग्रेड को देखकर एक क्यूमुलेटिव ग्रेड आपको प्रदान करेंगे और वो क्यूमुलेटिव ग्रेड वो रीजनल सेंटर को सबमिट करेंगे। रीजनल सेंटर और स्कूल ऑफ एजुकेशन के पास ये राइट्स हैं कि अगर उन्हें जरूरी लगे तो वे इन ग्रेड्स को मॉडरेट कर सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, आपको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बीएड वर्कशॉप को इफेक्टिवली पूरा करने में मदद करेगा और जैसे ही आप अपनी बीएड सेकेंड ईयर वर्कशॉप कर लेंगे, जो कि सामान्यतः अंतिम प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, लास्ट प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में आगे समाज में अपना योगदान कर सकेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारी दी गई मेल आईडी soe@ignou.ac.in पर किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।